हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन का पहला प्रॉब्लम आपके सामने रहा। अगर एक्स इक्वल टू टू 1/100 पर पावर 3 प्लस 0.9999 पर पावर 3 प्लस 3 2 1/100 पर पावर 2, फिर देखिए 0.99 प्लस 3 2 1/100, अगेन 0.99 पर पावर 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालिए। फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए दो टर्म डिफरेंट है, एक टर्म ये देखिए जो डिफरेंट है और दूसरा टर्म ये देखिए जो डिफरेंट है, और प्रत्येक में सेम टर्म है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप ए मान लीजिए, बहुत ईजी वे में ये प्रॉब्लम बन जाएगा। 2 1/100 को ए मान लेते हैं, और ये चूँकि यह मिक्स फ्रैक्शन में है, जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 201/100। एंड बी को मान लीजिए 0.99, ये बी को मैं मान लिया हूँ, क्लियर। और इसी को आप लिख सकते हैं 99/100। अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप जा देखते हैं, इसको आपने क्या माना, ए माना, तो इसका हो जाएगा ए क्यू, माना ना आपने ए, प्लस इसको आपने बी माना तो ये हो जाएगा बी पर पावर 3 प्लस 3, इसको आपने क्या माना ए, तो ए का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है बी, मैं माना हूँ इसको बी, तो बी प्लस 3, ये ए है और ये क्या है बी है, तो ये ए हो गया। और ये चूंकि ये बी है, 0.99 को आपने बी माना है, तो बी पर पावर कितना होगा 2, यहाँ लिखिए बी पर पावर 2 फ्रेंड। और यहाँ से यहाँ तक को आप क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला पर है, शायद आपको याद होगा यह फार्मूला, ए प्लस बी पर पावर 3 को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। कंपेरिजन कीजिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम टर्म है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, 3a² b 3ab² है ना सेम। सो यहाँ से यहाँ तक को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी पर पावर 3, आप ऑरल भी कर सकते हैं, इसको ये मानिएगा इसको भी मानिएगा तो पता चल जाएगा ए क्यू बी क्यू 3a² b प्लस 3ab² क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यू, क्लियर, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। सो a का वैल्यू दिया हुआ है 201/100 और b का वैल्यू क्या है 99/100। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, अंश अंश को ऐड कर दीजिए, क्लियर। तो 201 प्लस 99 कितना हो जाएगा 300 होगा, इस पर पावर फिर 3 भी तो देना है, और अपॉन 100 पर पावर 3, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 27। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 27, बहुत ईजी तरीका है यह। अब मैं चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अगर √5/7 डिवाइड बाय √5/5 इक्वल टू 5/p, तो p का कराए वैल्यू क्या हो है ये निकालिए। फ्रेंड, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √5/7 डिवाइड बाय √5/5, इसको आप इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं, इक्वल टू 5/p। और आप जानते हैं अगर a^m और a^n दोनों का बेस क्या है सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं a^m-n, इसके पावर में इसके पावर को माइनस कर दीजिए, यानी m-n। सो यहाँ पर बेस सेम है, इसका बेस क्या है √5, इसका भी बेस क्या है √5, सो इसको लिख सकते हैं √5/7-5, ये फार्मूला के अनुसार लिख सकते हैं इक्वल टू 5/p। सो √5 और 7 में 5 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा और 5/p। और आप ये भी जानते हैं √a का स्क्वायर यानी √a × √a इक्वल टू क्या हो जाएगा a होगा, क्यों इसलिए होगा ना, क्योंकि देखिए ये भी √a रूट के अंदर है, ये भी a रूट के अंदर है, तो दोनों टर्म को एक साथ लिख सकते हैं a × a, यानी क्या होगा a² इसको हम लिखेंगे a, क्लियर। सो √a × √a इक्वल टू a, या √a² इक्वल टू a, ये ध्यान रखना है आपको। सो √5² क्या हो जाएगा 5 होगा और 5/p। फ्रेंड यहाँ पर देखिए 5/p कुछ नहीं है तो क्या है 1 है,
और यहाँ 5 पर पावर p है। अब देखिए ये भी बेस 5 है, इस पर भी बेस 5 है, जब दोनों का बेस सेम हो जाए तो पावर पावर आपस में इक्वल हो जाता है, क्लियर। यानी ये भी ध्यान रखिए a पर पावर m इक्वल टू a पर पावर n, जब दोनों का बेस सेम हो जाए, दोनों का बेस क्या है, सेम है, सो इसको आप लिख सकते हैं m इक्वल टू n, क्लियर। जब दोनों का बेस सेम है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू p, यानी p का वैल्यू कितना आया, 1, 1 कहाँ पर है, d नंबर में, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, d यानी 1। अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 9 इक्वल टू 13/3, तो x का वैल्यू क्या होगा यह निकालना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब दोनों साइड रूट हो, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो ये रूट कैंसिल, और इसको लिख दीजिएगा डायरेक्ट a इक्वल टू b, पहला ये कंडीशन। सेकंड, जब एक में रूट लगा हुआ हो और दूसरे में रूट लगा हुआ नहीं हो, तो इस कंडीशन में इसको आप लिख सकते हैं a इक्वल टू b स्क्वायर। कैसे, जब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों साइड, जैसे आप करके देखिए a पर पावर रूट का वैल्यू क्या है, कोई पूछ दे कि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हाफ होता है, a पर पावर हाफ इक्वल टू b है, और दोनों साइड जब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, सो a इक्वल टू होगा b स्क्वायर, राइट। इसलिए इतना क्यों करेंगे आप, जब रूट a इक्वल टू b तो ये इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर, डायरेक्ट इसको याद रखिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है, यह a है, ये रूट a है, ये क्या है, b है। तो मैं क्या बताया हूँ, अगर इस पर रूट हो, इस पर रूट लगा हुआ ना हो, तो a इक्वल टू रूट के अंदर जो टर्म रहेगा a इक्वल टू b का स्क्वायर, सो इसको लिख सकते हैं रूट a, इसको a मानिए, सो a इक्वल टू यानी 1 प्लस एक्स बाई 9 इक्वल टू b स्क्वायर, इसको b मानिए तो b का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 और 3 का स्क्वायर 9, क्लियर ना। एलसीएम आप तो लिख ही सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए 9 प्लस एक्स बाय 9 इक्वल टू 169/9, ये 9 ये कैंसिल हो गया, सो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 169 में इस 9 को माइनस कर दीजिए, क्लियर। तो 169 में 9 को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 160, और 160 देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, इसमें ऑप्शन इसका क्या होगा, बी, क्लियर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, जय हिंद।